साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019। ये 2019 में मैनुअल आया था और इसमें कुल अध्याय 25 है और इसको जो है लागू 30/12/2019 से जो है ना लागू है RPF में। और इसमें पहला अध्याय देखते हैं। अध्याय फर्स्ट कहता है कि लघु शीर्षक और प्रारंभ के बारे में, और अध्याय दो है RPF में भर्ती रिक्रूटमेंट के बारे में। अध्याय दो जो है RPF में भर्ती के बारे में कहता है, रिक्रूटमेंट के बारे में जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस जो भी अध्याय का, मैं उसको ही मेंशन यहाँ किया हूँ सिर्फ ऑनलाइन में। ज़्यादा डीपली जाने के बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा, कहे कि एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल और क्राइम मैनुअल बहुत बड़ा है, इसीलिए जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है अध्याय के उसको मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। अध्याय दो कहता है RPF में भर्ती, दो के एक में कहता है भर्ती, अध्याय दो के पांच में जो है कहता है उम्मीदवारों की पात्रता, और 11 में कहता है भर्ती प्रक्रिया, 16 में चिकित्सा परीक्षा मेडिकल चेकअप, 17 में है वेरिफिकेशन सत्यापन के बारे में, और 19 कहता है बल के सर्वोच्च अधिकारियों का कैडर। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो सीरियल वाइज उसका कर्म वाइज है, वो उसको यहाँ मेंशन किया हूँ। किस में एक में भर्ती है, पांच में इसका उम्मीदवार की पात्रता दिया हो, तो वो मेंशन मैं किया हूँ। अब अध्याय तीन देखते हैं। अध्याय तीन कहता है प्रशिक्षण और परिवीक्षा, ट्रेनिंग और प्रोबेशन के बारे में कहता है अध्याय तीन। अब इसमें दो में देखते हैं RPF के बारे में, दो में कहता है RPF के बारे में, तीन कहता है क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, तीन में है क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो ZTI होता है, ट्रेनिंग सेंटर है, चार कहता है डॉग के लिए प्रशिक्षण, चार में जो है डॉग के लिए प्रशिक्षण, और आठ में कहता है अध्याय तीन के आठ में महिलाओं की प्रशिक्षण की व्यवस्था, ट्रेनिंग सेंटरों में जो है महिलाओं की प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में आपका अध्याय तीन का आठ। 12 कहता है विशेष पाठ्यक्रम, 13 कहता है पदोन्नति पाठ्यक्रम, और 15 में है प्रशिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम की समाप्ति पर परीक्षा, जो प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है, ट्रेनिंग समाप्त होता है, उसके लास्ट में जो फाइनल परीक्षा होता है उसी के बारे में आपका 15 कहता है, और 40 कहता है अनुशासनात्मक नियंत्रण है, और अध्याय चार कहता है पोस्टिंग और ट्रांसफर के बारे में। अध्याय चार है पोस्टिंग और ट्रांसफर के बारे में। दो में देखते हैं अध्याय चार के दो में ट्रांसफर के बारे में कहता है दो में, और अध्याय चार के जो है ना पांच में कहता है प्रीमियम ट्रांसफर, प्रीमियम ट्रांसफर पांच में कहता है, नौ में कहता है स्थानांतरण के लिए समय सीमा, स्थानांतरण के लिए आपका समय सीमा क्या होगा, ये आपका हेड कांस्टेबल 72/2021 में जो है पूछा जा चुका है समय सीमा के बारे में, और 14 कहता है इसमें संवेदनशील पोस्ट के बारे में, इसके अंदर से पूछा गया था कि किस कौन कितने दिन में एक जगह दोबारा ट्रांसफर हो सकता है, ये अध्ययन चार के जो है ना 9 के बारे में पूछा था। अब अध्याय पांच कहता है पदोन्नति के प्रमोशन के बारे में आपका अध्याय पांच कहता है। अध्याय पांच के दो में कहता है उत्कृष्ट पद पर पदोन्नति, उत्कृष्ट पद पर जो है पदोन्नति अध्याय पांच के दो में कहता है। तीन में कहता है SIPF एक्सिक्यूटिव के नियम के लिए पदोन्नति, SIPF एक्सिक्यूटिव के नियम के लिए पदोन्नति आपका अध्याय पांच का तीन कहता है। अध्याय पांच का आठ कहता है नियम 70 या 72 के तहत नामित सदस्यों की पदोन्नति, अध्याय पांच के आठ में कहता है नियम 70 या 72 के तहत नामित सदस्यों की पदोन्नति। 21 कहता है सेवा के रिकॉर्ड, 21 क्या कहता है सेवा का, जो हम लोग सर्विस कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड के बारे में कहता है सेवा के रिकॉर्ड, और 30 कहता है प्रोबेशन परिधि, जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बारे में आपका अध्याय पांच का जो है ना 30 में दिया हुआ है। ये सब जो 8, 30 देखते हैं ये सीरियल वाइज में दिया हुआ है, तो 30 में दिया होगा प्रोबेशन परिधि के बारे में।
अब अध्याय छह देखते हैं। अध्याय छह कहता है आर्मोरर्स एंड डॉग स्क्वाड के बारे में, जो आर्मोरर्स और डॉग स्क्वाड के बारे में कहता है। तो एक में कहता है, इसके एक में है अध्याय छ के एक में आर्मोरर्स के बारे में, और दो में कहता है डॉग स्क्वाड हैंडलर पोस्ट का प्रबंधक, डॉग स्क्वाड के बारे में आपका दो कहता है, ठीक। अध्याय सात कहता है यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, कहता है एक में कहता है यूनिफॉर्म और इकाई के बारे में अध्याय सात का एक में है, और चार में कहता है बाल और बाल काटना, जो हेयर और हेयर कटिंग के बारे में आपका चार कहता है अध्याय सात का चार में। और अध्याय आठ देखते हैं, अध्याय आठ के में जो है क्या कहता है, बैंड एंसिलरी और आर्टिसियन के बारे में कहता है। अध्याय आठ जो है आपका बैंड एंसिलरी आर्टिसियन के बारे में कहता है, इसमें पार्ट वाइज दिया है। पार्ट ए में जो है ना आपका बैंड के बारे में कहा है, पार्ट बी में जो है एंसिलरी के बारे में कहा, और पार्ट सी में जो है आर्टिसियन के बारे में दिया गया है। अब और अगला अध्याय देखते हैं। अब अगली अध्याय अध्याय नौ है, अध्याय नौ कहता है क्राइम विंग के बारे में अध्याय नौ कहता है। इसमें जो है ना पहला है एक नंबर में है सीआईबी, और दूसरा है दो नंबर में आपका पीएससी पैसेंजर सिक्योरिटी सेल, एक नंबर में आपका दिया हुआ है सीआईबी के बारे में, दो नंबर में दिया हुआ है पीएससी पैसेंजर सिक्योरिटी सेल के बारे में। अब अगला अध्याय है दस जो है एसआईबी विंग के बारे में कहता है, एसआईबी विंग अध्याय दस के एक में कहता है एसआईबी विंग का कार्य, अध्याय दस के एक में एसआईबी विंग का कार्य। वहीं आठ में जो है स्क्रीनिंग के बारे में कहता है, जो एसआईबी में अगर जाना चाहता है उसके लिए स्क्रीनिंग होता है, उसके बारे में आठ कहता है। और ग्यारह में कहता है एसआईबी में पोस्टिंग, अगर एसआईबी विंग में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वही पोस्टिंग के बारे में कहता है। और तेरह कहता है कि कमान और नियंत्रण, ये किसके अंदर कमान और नियंत्रण में रहेंगे, ये आपका तेरह कहता है अध्याय दस के तेरह कहता है। अब अगली अध्याय ग्यारह कहता है इनकैपमेंट एंड एकोमोडेशन शिविर और आवास के बारे में, इनकैपमेंट एंड एकोमोडेशन के बारे में जो है आपका अध्याय 11 कहता है शिविर और आवास। देखते हैं अध्याय 11 का एक कहता है कि आवासीय स्वीकृति, अध्याय 11 के एक में है आवासीय स्वीकृति के बारे में, और पांच में कहता है आरपीएफ या आरपीएसएफ के बैरकों में सूचना या प्रशिक्षण संस्थानों की सुविधा, आरपीएफ आरपीएसएफ के बैरकों में सूचना या प्रशिक्षण संस्थानों की सुविधा। और सत्रह कहता है आपका फिटनेस के बारे में, अध्याय ग्यारह का जो है सत्रह कहता है कि फिटनेस के बारे में। और उन्नीस कहता है पर्याप्त रसोई ना होने पर खाने पीने के इंतजाम बाहर से किया जाना, आपका उन्नीस में कहता है अगर पर्याप्त रसोई या रसोईया नहीं है या रसोई का सुविधा ही नहीं है किसी को पोस्ट या अपोस्ट या आउट पोस्ट पे, तो खाने पीने का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा, बाहर से किया जाने के बारे में आपको कहता है ये अध्याय 11 का 19। और 21 में कहता है आईपीएफ जो पोस्ट इंचार्ज होते हैं या आउट पोस्ट इंचार्ज की जिम्मेदारियां क्या होगी, ये आपको 21 में है इंस्पेक्टर महोदय और आउट पोस्ट इंचार्ज चाहे एसआई हो एएसआई हो या हेड कांस्टेबल हो, जो भी हो आउट पोस्ट इंचार्ज, उसकी जिम्मेदारियां क्या होगी, ये आपका 21 में बोला गया है। अब अध्याय 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्याय 12, कहता है बल के सदस्यों की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहता है बल के सदस्यों की आचार संहिता। इसमें देखते हैं दो में कहता है अध्याय 12 के दो में कि बल सदस्यों के बिहेवियर कोड बल सदस्यों के लिए जो है ना आपका दो में दिया गया है। और छह में कहता है प्रेस के साथ संबंध,
प्रेस के साथ संबंध के बारे में, जो है बल सदस्यों के जो है प्रेस के साथ संबंध के बारे में कहता है, और साथ में कहता है राजनीतिक और गैर मिलिट्री गतिविधि के बारे में, राजनीतिक और गैर मिलिट्री गतिविधि के बारे में आपका साथ कहता है कि जो आपका बल सदस्य का जो है ना राजनीतिक या और गैर मिलिट्री गतिविधि जो है उसके अगर कोई रखता है तो उसी के बारे में आपका ये साथ कहता है। अब है अध्याय 13 आईवीजी इंटरनल विजिलेंस ग्रुप के बारे में, आंतरिक सतर्कता समूह। अध्याय 13 का एक कहता है सार्वजनिक शिकायतों और सदस्यों की शिकायतों को पूरा करता है, ये एक में कहता है सार्वजनिक शिकायतों और सदस्यों की शिकायतों को पूरा करता है, और दो कहता है कि आरपीएफ के लिए आईवीजी, आरपीएफ के लिए आईवीजी का प्रावधान दो में है, और साथ में है इसके कार्य, आईवीजी का कार्य जो है आपको साथ में दिया गया है। अब अगली अध्याय है अध्याय 14, 14 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों से काफी नजदीकी है इससे, कहता है सस्पेंशन कोमा पनिशमेंट कोमा अपील्स एंड रिवीजन। अध्याय 14 सस्पेंशन पनिशमेंट अपील एंड रिवीजन दो में दिया गया है, अध्याय 14 के दो में सस्पेंशन के बारे में, और तीन में दिया गया है असिस्टेंट सुरक्षा का अधिकार, आपको सुरक्षा का अधिकार जो है ना तीन में दिया गया है, किसी भी बल सदस्य के जो है ना सुरक्षा का अधिकार आपको तीन में दिया गया है, और 14 में है इसका दंड, आपको अध्याय 14 के 14 में दंड दिया गया है, और 15 में है अन्य छोटे दंड, 14 में दंड के बारे में कहा गया और 15 में अन्य छोटे दंड के बारे में, और 18 में कहता है मेजर समुदाय के स्टाफ के लिए प्रक्रिया, मेजर समुदाय के स्टाफ के लिए प्रक्रिया, मेजर पनिशमेंट जो जिस सदस्य को जो है मिलता है उसके बारे में कहता है प्रक्रिया आपको 18, और 19 में है जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई, 19 कहता है जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई, और 21 कहता है डिसमिसल, 21 डिसमिसल के बारे में कहता है आपका अध्याय 14 का, 21 जो है डिसमिसल के बारे में, और 22 कहता है रैंक में कमी या वेतनमान में कमी, 22 कहता है रैंक में कमी या वेतनमान में कमी, और 28 कहता है जब दो या दो से अधिक नामांकित बल सदस्य हो तब प्रक्रिया, जब दो या दो से अधिक नामांकित बल सदस्य हो तब प्रक्रिया क्या होगा आपको ये 28 कहता है। अब 38 देखते हैं, 38 कहता है अपीलों पर विचार, जो अपील किया जाता है उस पर विचार आपका 38 कहता है, और 39 कहता है अपीलों में आदेशों का लागू होना, लागू होना अपीलों में आदेशों का लागू होना, अपीलों में आदेशों का लागू होना, और 40 कहता है संशोधन, अपीलों में संशोधन के बारे में आपका, अब संशोधन के बारे में 40 कहता है संशोधन, संशोधन के बारे में आपका 40 कहता है, और 41 कहता है अपील की समय सीमा क्या होगी, 41 अपील की समय सीमा क्या होगी, और 44 कहता है कि आरपीएफ स्टाफ की फरारी के लिए, आरपीएफ स्टाफ की फरारी के लिए अगर कोई आरपीएफ स्टाफ फरारी हो जाता है उसके लिए कहता है कि आरपीएफ स्टाफ की फरारी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ऑफ द फोर्स ये आपका 44 कहता है आरपीएफ स्टाफ की फरारी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ऑफ द फोर्स के बारे में आपका 44 कहता है। और अब देखते हैं अगली अध्याय, अब अगला अध्याय अध्याय 15 है, कहता है रिपोर्ट्स एंड रिटर्न के बारे में, अध्याय 15 के 5 में है क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करता है, उसका एनेक्सर 1 में जो है पीसीएससी का कार्यालय जोनल स्तर पर होता है, और डीएससी 2 में कहता है डीएससी का कार्यालय आपका डिवीजन स्तर पर होता है, और सीनियर कमांडेंट का कार्यालय आपका बटालियन स्तर पर, फिर तीसरा कहता है एएससी का कार्यालय जो है डिवीजन स्तर पर होता है, और चौथा कहता है इंस्पेक्टर का कार्यालय पोस्ट स्तर पर होता है, और पांचवा और आखिरी है कि एएसआई और एसआई का कार्यालय जो है आउटपोस्ट स्तर पर होता है। अब अध्याय है 16 कहता है रिकॉर्ड और रजिस्टर के बारे में, एक कहता है कि आरपीएफ मैप्स के बारे में,
आरपीएफ मैप्स के बारे में आपका एक कहता है, और छह कहता है कि सीनियर डीएससी डीएससी एएससी की मासिक डायरी जो है आपका अध्याय 16 का छह कहता है सीनियर डीएससी डीएससी और एएससी की मासिक डायरी के बारे में। अगला अध्याय है 17 लीव एंड रेस्ट के बारे में, अध्याय 17 लीव एंड रेस्ट के बारे में कहता है। एक में छुट्टी का समय, एक में है छुट्टी का समय। सात में कहता है राष्ट्रीय छुट्टियों में ड्यूटी में रहने पर मुआवजा, जो नेशनल हॉलीडेज है अगर उसमें अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए आपको मुआवजा दिया जाता है, उसके बारे में कहता है। आठवां कहता है हॉलीडेज या क्लोज डे में ड्यूटी में रहने पर मुआवजा, या हॉलीडेज है या क्लोज डे है उस पर भी अगर ड्यूटी में रहते हैं तो उसके लिए भी मुआवजा दिया जाता है। आठ में आपका हॉलीडेज और क्लोज डे में ड्यूटी में रहने पर मुआवजा के बारे में आपका ये आठ कहता है, अध्याय 17 का आठ। अब अध्याय 18 देखो, अध्याय 18 कहता है वेलफेयर मेजर्स एंड आरएसकेएन डीवीएमएस, वेलफेयर मेजर्स आरएसकेएन डीवीएमएस के बारे में। अब इसके 21 में कहता है आरएसके के तहत सहायता, आरएसकेएन के तहत सहायता। 22 में कहता है आरएसकेएन के तहत शैक्षणिक सहायता, 21 में आरएसकेएन के तहत सहायता है, और उसके बाद 22 में कहता है आरएसकेएन के तहत शैक्षणिक सहायता, शैक्षिक सहायता, और 33 कहता है डीवीएमएस। अगला अध्याय 19 है, कहता है अगला अध्याय सीजीए के बारे में, कंपोजिनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के बारे में। और फिर अध्याय 20, अगला अध्याय 20 है, कहता है फिजिकल फिटनेस के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में अध्याय 20 है, कहता है। एक में चिकित्सा परीक्षा बारे में कहता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, 12 कहता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, और 16 कहता है कि आरपीएफ स्टाफ को पीएमसी सिक की स्वीकृति और उसके लिए नगद राशि का भुगतान। 16 में कहता है आरपीएफ स्टाफ को पीएमसी सिक की स्वीकृति और उसके लिए नगद राशि का भुगतान। और 19 में कहता है कि आरपीएफ या आरपीएसएफ में व्यक्तिगत टर्नआउट, आरपीएफ या आरपीएसएफ में व्यक्तिगत टर्नआउट के बारे में आपका 19 कहता है, अध्याय 20 का 19 जो है। फिर अगला अध्याय है 21, 21 कहता है कैंटीन, कैंटीन या मेस के बारे में। एक में कहता है मेस और कैंटीन, और दो में कहता है आरपीएफ या आरपीएसएफ में कैंटीन का प्रबंध, दो में आरपीएफ या आरपीएसएफ में कैंटीन का प्रबंध, और चार में कहता है कैंटीन की स्थापना, चार में दिया गया है कैंटीन की स्थापना के बारे में। और अगला दिया है 22, 22 कहता है रिवार्ड एंड अवार्ड, रिवार्ड एंड अवार्ड। इसका पांच कहता है सजावट और पदक के पुरस्कार, सजावट और पदक के पुरस्कार पांच में दिया गया है। और छह में कहता है डीजी द्वारा पुरस्कार और इंसानिया, डीजी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है और उसके बाद इंसानिया जो मिलता है डीजी इंसानिया, उसके लिए आपको छह में कहता है। और सात में है सेवा रिकॉर्ड में पुरस्कार दर्ज करना, सेवा रिकॉर्ड में जो भी पुरस्कार आपको दिया जाता है आपको सर्विस बुक में आपको दर्ज किया जाएगा। और दस में कहता है गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक, जो गणतंत्र दिवस है उस पे जो है आपको पुलिस पदक आपको 10 में दिया गया है। और 11 में कहता है रेल मंत्री पदक पुरस्कार जो है आपको 11 के तहत दिया गया है। और देखते हैं अगला अध्याय, अगला अध्याय अध्याय 23 है, 23 कहता है ड्रिल फॉर सेरेमोनियल ओकेशन एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये ड्रिल के बारे में कहता है, जो परेड के बारे में कहता है। ये कहता है एक में सेरेमोनियल ड्रिल, और तीन में कहा गया है नई दिल्ली राजपथ पर परेड, नई दिल्ली राजपथ पर परेड जो गणतंत्र दिवस पे होता है। और चार में कहता है पुलिस कमिश्नरी परेड, तीन में है नई दिल्ली राजपथ पर परेड और चार में है पुलिस कमिश्नरी परेड। और अगला अध्याय है अध्याय 24, कहता है मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आरपीएसएफ, आरपीएसएफ के डिप्लॉयमेंट के बारे में कहता है कि एक में कहता है कंपनियों का संकलन और कार्यान्वयन,
अब अध्याय 25, 25 कहता है प्रमोशंस एंड ट्रांसफर ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन आरपीएफ डिप्लॉयमेंट। अध्याय 25 कहता है प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन आरपीएफ डिप्लॉयमेंट। अब हम लोग का ये एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये ऑनलाइन भी ही रखा हूं मैं, इसलिए इसमें डीपली नहीं गया, एक समय का भी अभाव है, प्लस ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट था ऑनलाइन में मैं इसको यहाँ मेंशन किया हूँ। और ये ऑनलाइन ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो जो आपको लगेगा कि ये आपका अध्याय इम्पोर्टेंट है थोड़ा, उसको आप डीपली देख सकते हैं, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।